बच्चों नमस्कार सभी को। बच्चों आजकल तो बच्चों आज हम पिछले वीडियो का जो कंटेंट है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे एरर के क्लासिफिकेशन पर। पहले भी थोड़ा हिंट दिया था कि एरर क्या है, वो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है, उसके डिज़ाइन ख़राब है, उसकी वजह से भी हो सकता है, और आपने स्केल को रखने और पढ़ने में कोई गलती कर दी तो उससे भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम ना हमने गलती किया न इंस्ट्रूमेंट कुछ गलत पढ़ रहा है, किसी और थर्ड वजह से क्या हो सकता है एरर आ सकती है। तो इन्हीं को लेकर के क्या है क्लासिफिकेशन है एरर्स का, तो उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से चैनल बने हुए हैं तो वीडियोज़ को शेयर करिए और लोग तक पहुँचाइए, और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल जुड़ने के लिए, और आप भी साथ बने रहें। वीडियो जब भी देखें पूरा देखें, और पूरा देखने के लिए कहें तभी हमें कंटेंट अच्छी तरह समझ में आएगा। एक सिक्वेंस में देखें तो और अच्छा होगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे इसको हर कंटेंट को। तो हम लोग तो ठीक है, हम बात करते हैं एरर्स की वैसे क्लासिफिकेशन की। तो जो एरर्स हैं कहा पहले कहा कि जो मेजरिंग सिस्टम है उसमें एरर हो सकती है, आपको मालूम हो सकता है, यानी जो एरर प्रेडिक्ट की जा सकती है ना, वो एरर क्या है वो सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। और जिस एरर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता वो क्या होता है रैंडम एरर बोलते हैं। तो एरर बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। तो आइए, तो देयर आर मेनी कॉजेस, मेनी फैक्टर्स which can cause error in the measurement. Okay, so there are many factors which cause errors in a measured value or measurement. In our measurement, okay. So these causes may be predictable or not non-predictable. Okay, these factors may be predictable or non-predictable, okay. हो सकते हैं। तो प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स हैं उनको बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में एरर है या सिस्टमेटिक एरर है, और अगर प्रेडिक्टेबल नहीं है तो वो रैंडम एरर है। तो इन्हीं को लेकर के क्लासिफिकेशन किया गया है, ओके। सो इन व्यू ऑफ दीज फैक्टर्स, ओके फैक्टर्स, फॉलोइंग क्लासिफिकेशन, कही कह सकते हैं फॉलोइंग क्लासिफिकेशन कैन बी गिवन, okay, about errors. तो ये कौन से क्लासिफिकेशन है, देखिए कारण है errors और इन errors को roughly जो predictable error है इनको हम क्या बोलते हैं कि ये systematic error है, ठीक, सिस्टमैटिक एरर, और अगला एरर क्या है एक रैंडम एरर है, और एक और एरर कि हमारा स्केल ही सब कुछ हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, मेजरमेंट जितना हो सकता है सही ले रहे हैं, लेकिन हमारा स्केल जो अवेलेबल है वो सही भी है, जो स्केल अवेलेबल है एकदम से वो परफेक्टली डिजाइंड भी है, लेकिन
उसमें डिविजन्स इतने छोटे नहीं हैं कि और प्रिसाइज मेजरमेंट ले ले। तो ऐसे मेजर आती है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो ये लीस्ट काउंट एरर हो। और सिस्टमेटिक एरर भी क्या है, कई तरह से हो सकता है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ गड़बड़ है, या मेजरिंग टेक्निक में कोई फॉल्ट है, या पर्सनल एरर है। जैसे मेजरिंग टेक्निक में फॉल्ट हो सकता है कि हम मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है और थर्मामीटर हम यहाँ माथे पर लगा लिए या हाथ में पकड़ लिए, तो जो बाहर का सरफेस का टेम्परेचर होता है वो अंदर के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है, तो हम बहुत सही मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो ऐसे में कहते हैं कि ये टेक्निक गड़बड़ा है। पर्सनल एरर, पर्सनल लेवल पर हम मिस्टेक कर सकते हैं कि पढ़ने में गड़बड़ कर जाए, केयरलेसनेस थोड़ा रहे मेजर पढ़ने में, मेजरमेंट हम 16 को 18 पढ़ लिए, 12 को 10 पढ़ लिए, कुछ थोड़ा सा इरेज हो गया है, तो ऐसे में हम एरर कर सकते हैं। तो इसको देखिए सिस्टमेटिक एरर में सब आता है। तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर इसको बोलते हैं। सिस्टमेटिक एरर में क्या है, एक जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ओके। दूसरा क्या है, अगला क्या है, पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, और एक क्या है, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट, ऑफ मेजरमेंट, ये हो सकता है। तो ये भी एरर का कारण हो सकता है। तो आइए हम बारी बारी इन पर हम बात करेंगे, ये सिस्टमैटिक एरर्स क्या हैं, ये एरर्स मेजरिंग टेक्निक से रिलेटेड या ये प्रेडिक्टेबल हैं, ये जब भी होंगी एक ही डायरेक्शन में होंगी, या तो आप ज़्यादा मेजरमेंट ले रहे हैं तो ज़्यादा ही मेजर करेगा, या कम मेजरमेंट ले रहे हैं तो कम ही मेजरमेंट मिलेगा आपको, एक ही और मिलेगा जब भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि कभी ज़्यादा कभी कम मिल जाएगा, इसको आप रैंडम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना ये। लेकिन जो सिस्टमेटिक एरर है वो एक ही डायरेक्शन में मिलता है। तो आइए बारी बारी हम सब पे बात करेंगे। सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक, तो ये एरर्स कौन सी हैं, प्रेडिक्टेबल एरर, ओके। दीज एरर्स आर, दीज एरर्स आर प्रेडिक्टेबल एंड आकर इन वन डायरेक्शन and occur in one direction only, means either positive या negative, या कोई measurement ले रहे हैं आप, या तो हमेशा ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं उसको या हमेशा कम ही पढ़ रहे हैं, ये systematic error, either positive or negative, positive or नेगेटिव। तो इनको भी फिर से क्लासिफाई करते हैं। इसमें ए मान लेते हैं ये फर्स्ट है, इसमें ए इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे हो सकता है, जो इस स्केल पर कैलिब्रेशन किया गया है, मार्क्स बने हैं मेजरमेंट के, डिवीजन बने हुए हैं स्केल के, वो सही नहीं बने हैं, तो इससे भी क्या हो सकता है, आप जब मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर ही आएगी, जब सही नहीं बना हुआ है, कैलिब्रेशन बोलते हैं उसको, कि कैलिब्रेट नहीं किया गया, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। दिस एरर अराइजेस ड्यू टू रॉन्ग डिजाइन wrong design of measuring instrument, measuring instrument, okay, or wrong calibration of scale, wrong
कैलिब्रेशन ऑफ स्केल इन द इंस्ट्रूमेंट, इन द इंस्ट्रूमेंट, तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें ग्रेजुएशंस बने हुए हैं वो या एक्चुअल जो करेक्ट ग्रेजुएशन नहीं है, दैट इज करेक्ट ग्रेजुएशंस आर नॉट मार्क्ड ऑन द स्केल। ठीक, पर्सनल एरर, तो पर्सनल एरर में क्या है, बस केयरलेसनेस या पर्सनल बायस की वजह से होता है। आप जैसे कर रहे ना कि आपने 16 को 18 पढ़ लिया, तो बार बार 18 पढ़ रहे हैं, वो बायस हो गए, उसी पर बार बार ध्यान जा रहा है 18 पर, ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ जिसको पढ़ रहे हैं उसके दोनों ओर साइड में क्या है। अगर वो 16 होगा तो एक साइड में 17 मार्क होगा, एक साइड में 15 मार्क होगा, या 18 अगर वो होगा तो एक साइड में 19 मार्क होगा, एक साइड में 17 मार्क होगा। लेकिन 1917 या 1517 नहीं देख रहे हैं, हम बस 16 देख रहे हैं या उस 18 देख रहे हैं, तो 18 को 16 या 16 को 18 भी पढ़ रहे हैं, तो बार बार ऐसा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पर्सनल बायस। या जानबूझ के जो स्केल रखना है कि जीरो से, जो अगर मान ली कोई लाइन सेगमेंट मेजर कर रहे हैं, तो भाई कोई लाइन ही लेंथ ही नहीं मेजर करना है, बहुत कुछ मेजर करना है, तो जीरो को हम गलत देख रहे हैं या मेजरमेंट में जीरो की जगह कॉन्साइड नहीं सही कर रहे हैं, तो ये भी एरर हो सकती है। सो दिस एरर पर्सनल एरर, सो पर्सनल एरर अराइजेस, पर्सनल एरर अराइजेस ड्यू टू इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस, इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस, केयरलेसनेस और पर्सनल बायस, और पर्सनल बायस। ये भी हो सकता है कि हमारी आदत ऐसी हो पढ़ने की कि स्केल को यहाँ रख रहे हैं बगल में, या लेफ्ट या राइट रख रहे हैं, और मार्क कहीं और पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पढ़ रहे हैं तो करेक्ट मार्क दिखाई नहीं देगा, यहाँ करेक्ट कॉन्साइडेंस नहीं होगा, जो सही मेजरमेंट है वो नहीं होगा। तो जो आई है, आई पोजीशन, वो क्या है, रॉन्ग है मार्क देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ओके, रॉन्ग पोजिशन ऑफ आई, रॉन्ग पोजिशन ऑफ आई व्हाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशंस इंडिविजुअल इज इन हैबिट, इंडिविजुअल इज इन हैबिट टू डू सो। इफ इंडिविजुअल इज इन हैबिट टू डू सो, ओके, जो इंडिविजुअल क्या है, मैं जिस जो मेजर कर रहा है वो इस हैबिट में है कि गलत पोजिशन पर आंख रखता है, तो वो रीडिंग गलत पड़ जाती है। दिस विल कॉज एरर, दिस विल कॉज अ पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। और जानबूझ के स्केल अगर कहीं कॉर्नर पर ब्रेक हो गया है, टूट गया है, नहीं सही दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा बस इसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ अगर स्पेकुलेट ये भी कर सकते हैं कि हाँ ये लेंथ दो मार्क्स के बीच में पड़ रही है तो हम इतना लिख दें, तो ये स्पेकुलेशंस जानबूझ के करना ये भी क्या है, एक पर्सनल एरर का कारण हो सकता है। और जो सी क्या है, इम्परफेक्ट टेक्निक, इम्परफेक्ट
टेक्निक ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन, ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन, अगर कोई क्वांटिटी में वेरिएशन हो रहा है लोकेशन टू लोकेशन, टाइम टू टाइम, तो क्या हो सकता है, हमको सही जगह पर मेजरमेंट करना जरूरी होता है, अदरवाइज क्या होता है, एरर आती है। सो सम क्वांटिटीज मे वेरी फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन और टाइम टू टाइम, सम द वैल्यू ऑफ सम क्वांटिटीज, द वैल्यू ऑफ सम क्वांटिटीज, सम क्वांटिटीज मे वैरी विद टाइम और पोजीशन और अदर फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर अगर केयर नहीं किया गया, तो अगर सही टेक्निक नहीं यूज़ किया गया, तो एरर आ सकती है। ओके, सो इफ नो प्रॉपर टेक्निक इज नो प्रॉपर टेक्निक इज अप्लाइड टू मेजर सच क्वांटिटीज देन एरर मे राइज। ओके, एरर्स मे अराइज करते हैं। जैसे क्या है, अगर मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर ही मेजर करना है, तो जनरली क्या करते हैं हम, बाहर के सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है, अंदर के से कम होता है, तो हम थर्मामीटर क्या करते हैं, या आर्म पिट में लगाते हैं या मुंह में रखते हैं, ताकि बॉडी टेम्परेचर सही वो पढ़ सके, अदरवाइज क्या होगा, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल ओके, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ओके, टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी इज लेस देन इंटरनल टेम्परेचर। तो इससे ये क्या हो रहा है, इससे कम होता है। सो थर्मामीटर अगर रखते हैं बॉडी सरफेस के ऊपर मेजर करने के लिए, तो ये एक्चुअल टेम्परेचर नहीं रख पड़ेगा। इफ अ थर्मामीटर इज प्लेस्ड, इन द कॉन्टैक्ट विद ओपन स्किन, ओके, इट विल रीड के रॉन्ग बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो रॉन्ग बॉडी टेम्परेचर, इसको हम कह रहे हैं कि ये पढ़ेगा तो रॉन्ग, सही नहीं पढ़ेगा, तो इसको कहते हैं टेक्निक सही नहीं। वैसे ही अगर आप कहीं वार्म वाटर रखा हुआ है कुछ देर से, पहले से ही, तो पाएंगे कि क्या होगा, जो टॉप सरफेस का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है और बॉटम का टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, जैसे जैसे जहाँ का वाटर थोड़ा कूल होगा तो डेंसिटी उसकी बढ़ेगी, वो नीचे सेटल हो जाता है, तो नीचे का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो कोई थर्मामीटर ऊपर रख दिया, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो थर्मामीटर नीचे रख दिया, तो दोनों केस में एक्चुअल टेम्परेचर नहीं पड़ेगा जो एवरेज पढ़ना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि टेम्परेचर मेजर करने से पहले क्या करें, पहले उस लिक्विड को या वाटर को मिक्स कर लें, स्टर कर लें,
तब उसके बाद मेज़र करेंगे तो सही टेम्परेचर पड़ेगा। तो ये सही टेक्निक मेजर करने की है। तो ये क्यों ये हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्या बात किए थे, रैंडम मिरर की बात किए थे। ये सेकंड रैंडम मिरर, तो यहां पर ये जो एरर है वह अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन की वजह से आता है। एक्सपेरिमेंटल, अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं उसमें अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, थर्मल कुछ और, मैकेनिकल वाइब्रेशन हो गए, वोल्टेज सप्लाई हो गया, तो इसमें मेजरमेंट इफेक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं रैंडम एरर। इससे जो एरर आती है वो रैंडम एरर होती है। सो देयर दैट अराइजेस एरर दैट arises due to random and unpredictable fluctuations in experimental conditions, okay, in experimental conditions। तो ये experimental condition क्या हो सकती है, as pressure, temperature, mechanical vibrations as in or voltage supply okay etc is called random error। तो रैंडम एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किसी डायरेक्शन में हो सकता है। तो रैंडम एरर में अकर इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन बोथ, ये दोनों में हो सकता है। इसके बाद एक एरर जो आप लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। तो लीस्ट काउंट पहले बता दिया कि अगर कोई मेजरमेंट ओके स्मॉलेस्ट डिवीजन के दोनों बाउंड्री मार्क्स पर पड़ के बीच में आती हैं तो यहां पर एरर हो सकता है। यानी जैसे हम ये यो ऐसे स्केल है, मानते ये लेंथ एक लाइन है और यहाँ पर ये स्केल है ऐसा, ये तो जीरो है ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऐसा मान लीजिए। ये लेंथ है जो यहाँ पर ये मेजर करना है, तो क्या हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो लेंथ है वो 6 और 7, अगर ये सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बीच में है, बीच में और कोई मास नहीं बने हुए हैं। तो यहाँ पर अब या तो आप इसको 6 लिखेंगे या तो 7 लिखेंगे, क्योंकि 6 के ज़्यादा क्लोज है तो क्या करेंगे, इसको 6 आप लिख सकते हैं जनरली। अगर ये लेंथ इतनी भी होती तो भी आप 6 लिखते, जहाँ तक उम्मीद है ऐसा लिख सकते थे कि इतनी होगी तो भी 6 लिखेंगे और इतनी होगी तो भी 6 लिखेंगे। ये तो इतना बड़ा डिफरेंस आप एरर कर सकते किसकी वजह से, जो रिजोल्यूशन स्केल का है उसकी वजह से। तो ऐसे
एरर को जो आपके हाथ में नहीं है. दिस इज एसोसिएटेड विद रेजोल्यूशन ऑफ दिस स्केल. इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर. सो कितना हो सकता है ये मैक्सिमम? एक स्मॉलेस्ट डिवीजन के इक्वल मैक्सिमम एरर ये हो सकता है. लीस्ट काउंट एरर. दिस एरर इज एसोसिएटेड विद रिजोल्यूशन ऑफ स्केल ऑफ मेजरिंग स्केल. सो मेजरिंग स्केल इफ मेजरमेंट ऑफ मेजर ऑफ क्वांटिटी मेजर ऑफ क्वांटिटी फॉल्स एनीवेयर बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मार्क्स. ऐसा ना जस्ट 6 and 7 है. कॉन्सिक्यूटिव मार्क्स ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द स्केल देन स्केल will not measure the true value of quantity. Okay, true value of quantity. तो ये error हो सकता है. ये maximum कितना हो सकता है? एक division का जो smallest division है उसकी length के equal हो सकता है या उसकी value के equal हो सकता है. ये उसको कहते हैं लीस्ट काउंट के इक्वल हो सकता है. सो रैंडम एरर मे हैव मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ स्केल. तो ये मैक्सिमम 1 centimeter का एरर यहाँ पर हो सकता है. तो अगर आप इसको जहाँ तक बहुत ध्यान से सोचिए तो आप देख बता सकते हैं इसे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 centimeter का एरर हो सकता है. अगर कोई पर्सनल एरर नहीं कर रहे हैं तो मतलब पूरे प्रिकॉशन के साथ मेजर कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं. ऐसा तो पर्सनल एरर करेंगे तो कुछ भी एरर हो जाएगा. ओके, आप 12 का 10 पढ़ लीजिए या 16 का 10 पढ़ लीजिए तो बहुत बड़ी एरर हो जाएगी. तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. जब पर्सनल एरर ना हो रही हो, बाकी सब कोई एरर ना हो रही हो, स्केल भी सही है, तो बाकी सब एरर नहीं है, तो फिर आप लीस्ट काउंट की वजह से इतनी मैक्सिमम एरर कर सकते हैं, हो सकता है. तो इस पार्ट में यही है एरर्स में, एरर के क्लासिफिकेशन में. अभी एरर की जो वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन के बेस पर जो एनालिसिस में जो वैल्यू आती हैं उनको तो अलग से हम अगली वीडियो में लेके आएंगे. तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं. ओके, फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को शेयर करिए, ज़रूर साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखा करिए. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.